जी हाँ, कथित सेक्स सीडी पर घिरे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पहले से ज्यादा हमलावर हो गए हैं। हार्दिक ने वीडियो जारी कर बीजेपी से बदले की बात कही है। गुजरात में चुनावी सरगर्मी के बीच पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की कथित सेक्स सीडी से चुनाव ने नया मोड़ ले लिया है। विकास और विकास पागल की लड़ाई पिछले कुछ दिनों से हार्दिक के इर्द गिर्द घूमने लगी है। हार्दिक पटेल ने अपने ऊपर हो रहे हमलों का वीडियो जारी कर जवाब दिया। शू मांग्यू तू अधिकार? ये अधिकार तो समाज ना युवानों ना भविष्य माटे नो। गोड़ियों मारी, लाठियों मारी, महिलाओं पर अत्याचार करियो, ठगाई थई गई ने पाटीदार समाज दी ठगाई। समय आवियो छे, काई करो, मारा माटे नहीं, तमारी युवानों ना, तमारी आवनारी पीढ़ी ना भविष्य माटे। ठगाता नहीं हो, हवे लेवानो छे बदलो, बधाई भेगा मळीने। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हार्दिक ने पटेल आंदोलन के दौरान मारे गए पाटीदारों का बदला लेने की बात कहकर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन की आग और तेज कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि पहली सीडी को फर्जी बताने वाले हार्दिक ने दूसरी सीडी पर कहा कि गुजरात की जनता 22 साल के लड़के की सीडी नहीं बल्कि 22 साल में हुए विकास की सीडी देखना चाहती है। सीडी जारी कर पलटने वाले अश्विन हार्दिक की कथित तीसरी सीडी भी जारी होने का अनुमान जता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर गुजरात के रण में सीडी से भूचाल लाने के पीछे आखिर है कौन। सीडी जारी करने वाले अश्विन सीडी जारी करने की बात से पलट चुके हैं और जिस केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ अश्विन की तस्वीर वायरल हुई उन्होंने भी साफ कह दिया है कि बीजेपी का इससे लेना देना नहीं है। इतना टाइम थी बेवकूफ बनावे छे, अरे हवे तो समाज ना युवानों ने गोड़ियों मारी, शू आ बधु भूली जावानु छे? शू आ बधु भूलीने हवे फरीथी ए लोको जोड़े पासु बेसवानु छे? नहीं, जो आऊ करसु तो शहीदोनु अपमान गणाशे, शहीदोनी आत्माने शांति नहीं मळे। अब हार्दिक ने पाटीदारों के बदले का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हार्दिक के बदले से गुजरात का गणित बदलेगा? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।